A 32-year-old woman was allegedly raped in the pantry of an express train travelling from Bandra to Jaipur on the 9th of June. The victim claims that she was raped after the accused promised to get her a berth in the sleeper class. A case has now been registered and the accused has been arrested. Panty car wala tha, Ajar Khan naam tha uska. To wo bola ki आपको जो है ना स्लीपर में मैं अंदर जगह दिला देता हूँ, वहाँ सो जाना। तो मजबूरी में आके मुझे उसकी बात माननी पड़ी, उसने मेरे साथ गलत काम किया, ठीक है। उस वक्त मैं इज्जत के मारे मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत ही बदनामी ना हो। 9/6/2017 को इस काम की पीड़िता मुंबई सेंट्रल से जयपुर जाने के लिए अरावली एक्सप्रेस स्टैंड में मुसाफिरी करने के लिए आई थी, तो जनरल पे टिकट लेके वो रिजर्वेशन कोच में चढ़ी थी। उस दरमियान इस काम का अपराधी अजहर खान से परिचय हुआ था उससे, तो उसने बोला कि जो सीट लिया था मैं तेरे को सीट दिला दूंगा। ऐसे तो वो टीटी आया, तो टीटी से ये पीड़िता बहन ने संपर्क किया, टीटी ने बोला हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो फिर फरियाद ये पीड़िता बहन ने फिर से अजहर का संपर्क किया और अजहर खान उसको पैंटी कार का जो खाना है उसमें ले जाके उससे रेप किया, ऐसे आक्षेप भी दिया है। और उसके कमरे जयपुर का रेलवे पुलिसन दिया, वहाँ से लेकर इधर आए तो कमरे रजिस्टर कर दिए और मेडिकल और दूसरे एविडेंस और अपराधी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस अधीक्षक से पश्चिम रेलवे बड़ौदा की सूचना अलग अलग टीम रवाना की गई है और अपराधी पकड़ने के लिए तजवीज चालू है। महिला कहाँ सुरक्षित है? ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, ऑटो में सुरक्षित नहीं है, घर पे सुरक्षित नहीं, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। तो ये चीज को सरकार को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। और ये पर्टिकुलर केस ट्रेन के अंदर हो गया तो ये इसका पूरे जिम्मेदारी जो रेलवे मिनिस्ट्री को उठाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा घटना हो रही है। सौम्या के बाद फिर ये भी हो गया है, इसके पहले भी हो गया है। तो पैसेंजर का सुरक्षा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जवाब रेलवे मिनिस्ट्री को देना चाहिए। ये नहीं है कि हर वक्त इसका ट्रेन फेयर बढ़ाए।